ये चाल पाकिस्तान की है, क्योंकि जम्मू कश्मीर का अमन पाकिस्तान को कभी ना रास आया है ना आएगा। किश्तवाड़ इसलिए भी चर्चा में है क्योंकि यहाँ से 36 नौजवान एजेंसियों के रडार पर हैं, उनके हैंडलर पाकिस्तान में हैं और वो खुद भी वहीं पे हैं। जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश बनने के बाद सीमा पार से ये आतंकी भारत में सिर्फ दहशत की साजिश ही नहीं रच रहे, बल्कि अपने नेटवर्क को और मजबूत करने में लगे हैं। इसलिए जम्मू कश्मीर पुलिस और NIA इनके पीछे हाथ धोकर लगी है। आतंकवादियों के पोस्टर जम्मू कश्मीर में कई जगह अभी भी चस्पा है, जिनकी सुरक्षा एजेंसियों को शिद्दत से तलाश है। खबर ये नहीं है कि किश्तवाड़ में 36 ऐसे आतंकी आइडेंटिफाई हुए हैं, खबर ये भी है कि उनके करीब 140 स्थानीय लोगों से सक्रिय संपर्क हैं। खबर ये भी है कि इन हरकतों पर अगले स्तर की कार्रवाई की शुरुआत हो चुकी है। मल्टी प्रॉन्ग स्ट्रेटेजी के हिसाब से हमने इन्वेस्टिगेशन शुरू की है कि वो किस इंडिविजुअल से बात करते हैं, उनके मोबाइल फ़ोन कौन से हैं और वो किस ऐप को यूज़ कर रहे हैं, और उसके बाद उन लोगों को हमने कोर्ट में पेश किया है, उनकी स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड करवाई और इन्वेस्टिगेशन का पार्ट बनाए। जम्मू से पाकिस्तान भागे युवा 90 के दौर से हैं। हरकत उल जिहादी इस्लामी और हिजबुल मुजाहिदीन जैसे आतंकी संगठनों से इनका वास्ता है और अब सीमा पार बैठकर घाटी के युवाओं को बरगला रहे हैं। इन आतंकियों के खिलाफ केस दर्ज हैं, उनकी संपत्तियों का लिंक भी खंगाला जा रहा है। ये पता लगाया जा रहा है कि कहीं ये आतंकी अपनी संपत्ति के जरिए टेरर नेटवर्क की फंडिंग तो नहीं कर रहे। सुरक्षा एजेंसियों के साथ किश्तवाड़ पुलिस भी फुल एक्शन में है। पाकिस्तान में बैठे आतंकियों को वारंट भेजने की तैयारी हो रही है। उस समय एक सैलाब था, उस समय कमोपेश सैकड़ों नौजवान हमारे इलाकों से उस पार गए और उस पार में जाकर वो बेचारे इस वक्त वो बहुत ज़्यादा वहाँ पर परेशान हैं, उनके घर वाले भी यहाँ पे परेशान हैं। तो हम लोग ये चाहते हैं कि दोनों मुल्क बैठें, हिंदुस्तान और पाकिस्तान बैठें, वो बातचीत करें और जो वहाँ पे वो हमारे लड़के हमारे खुसूसन ज़िला किश्तवाड़ डोडा के हैं उनको पुरामन तरीके से अपने माँ बाप के हवाले किए जाए। सीमा पार बैठे आतंकी अलग अलग जरिए से घाटी में युवाओं के टच में हैं, लेकिन घाटी अमन चाहती है, नौजवान भटके ना, इसके लिए सरकार के साथ कई संस्थाएं काम कर रही हैं। एक बार जब हम यहाँ हॉस्पिटल की तरफ जा रहे थे तो मानसिकता देख लीजिएगा कि किस प्रकार की है। मैं पहुँचता हूँ ग्रीन मॉडल के थोड़ा सा टर्न पे, बंदा कह रहा है मेरे को, सादत साहब शायद बड़ा शौक है आपको भारत के खाकों में रंग भरने की, कभी ऐसा रंग भरूंगा कि रंग भरना बोल जाएगा। तो उन लोगों को रेडिकल करने की कोशिश की गई। मैं पिछले 17 साल से देश की एकता और अखंडता के प्रति लोगों में विश्वास जगाने का कार्य कर रहा हूँ। सरहद पार करते वक्त ये लड़के थे 16 से 22 23 साल के। 30 साल बाद अब ना हौसले वैसे हैं ना इरादे, अपने अरमान पूरे करने की लड़ाई में वे थक और हार दोनों चुके हैं। पर सुरक्षा एजेंसियां चाहती हैं कि इस वक्त के लड़के और नौजवान अपनी राह भटकने से बचें, अमन को बचाए और बनाए रखने का यही रास्ता है। बातचीत हो सकती है, किसी से भी हो सकती है, लेकिन पहले आतंक का रास्ता छोड़ना होगा। आतंक के रास्ते पर चलकर बातचीत का कोई सवाल नहीं उठता, यही उन नौजवानों को भी कहना है हमने जो आज भारत में दहशतगर्दी की साजिश रच रहे हैं और वो भी पाकिस्तान के इशारे पे। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहु साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए ABP लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। ABP न्यूज़ आपको रखे आगे।